हाय, दिस इज इंडियन लाइफ हैकर और इस वीडियो में हम इस ड्रोन में कैमरा इंस्टॉल करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जहां पर हमने ये ड्रोन बनाया था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने उसमें टेलीमेट्री और जीपीएस इंस्टॉल किया था जिससे कि हम उसको मिशन दे सके। फिर हमने मोबाइल से एक मिशन सेट किया और ड्रोन ने उस मिशन को कम्प्लीटली फॉलो किया था। एज यू कैन सी, और उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने किया था फ्लिप टेस्ट और ड्रोन ने बहुत ही अच्छी तरह से फ्लिप भी किया था। इसके बाद का मेरा प्लान था वेट कैपेसिटी टेस्ट का, लेकिन जब मैंने अपना कमेंट बॉक्स खोला तो ज़्यादातर कमेंट्स में एक ही बात थी कि कैमरा इंस्टॉल करना है, कैमरा इंस्टॉल कैसे करना है, उस पर वीडियो बनाया जाए। सो आई नीड टू चेंज माई प्लान और इस वीडियो में हम इंस्टॉल कर रहे हैं कैमरा और गिम्बल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और पसंद आना भी चाहिए क्योंकि आप ही ने सजेस्ट किया है। सो अगर आपको कोई और भी सजेशन देना है तो इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। एक व्यूअर आई थिंक दो सजेशन देगा तो अच्छा रहेगा, फिर देखेंगे हम कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ के लिए सजेशंस आ रहे हैं, उस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब टू इंडियन लाइफ हैकर एंड प्रेस ऑन दिस घंटा सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम इंडियन लाइफ हैकर। सो अब हम हमारे ड्रोन में लगाने वाले हैं कैमरा। सो कैमरा लगाने से पहले हमें लगाना पड़ेगा गिम्बल, और मैं ये वाला कैमरा यूज कर रहा हूँ जो कि है SJKM का लेजेंड। सो सबसे पहले गिम्बल फिक्स कर देते हैं। सो गिम्बल यहाँ पर लग चुका है, अब यहाँ पर कैमरा लगा देते हैं। सो अभी कैमरा और गिम्बल लग चुके हैं, अभी हमें देना है पावर। सो उसके लिए जहाँ से हम मोटर्स को पावर देते हैं वहीं से गिम्बल को भी पावर देना है। सो उसके लिए वायर सोल्डर कर देते हैं, और अब इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे गिम्बल के साथ। सो यहाँ से गिम्बल को पावर मिल जाएगी, और दूसरा कि ये पूरी सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्लाइट कंट्रोलर से। सो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं। सो उसके लिए इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे इस गिम्बल के पिच को इस फ्लाइट कंट्रोलर के 7 नंबर के मेन आउट में, क्योंकि हम हेक्सा बना रहे हैं तो ऑलरेडी 6 चैनल्स हमने यूज़ की हुई है, तो हम 7th में गिम्बल कनेक्ट कर देंगे। सो अभी बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। सो अभी ये कैमरा स्टेबल है, अभी अगर मैं ड्रोन को मूव करूंगा तो भी कैमरा अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। सो अभी ये तो हो गया कैमरा स्टेबलाइज, लेकिन अभी हम मूव नहीं कर पाएंगे कैमरा को किसी भी तरह से, क्योंकि हमको एक स्विच अलाउट करनी पड़ेगी इस गिम्बल के लिए रिमोट में, और उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा मिशन प्लानर में। सो उसके लिए मैं कनेक्ट करता हूँ ड्रोन को लैपटॉप के साथ। ड्रोन को मिशन प्लानर सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करने के बाद जाना है इनिशियल सेटअप में। इनिशियल सेटअप में जाना है सर्वो आउटपुट्स में, और उसमें 7 नंबर पे डिसेबल की जगह पे आपको सेलेक्ट करना है RC IN 6। अभी इस स्विच को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है 6 नंबर पे। सो इसको अगर अब मैं मूव करूंगा तो उसके साथ ये कैमरा मूव करेगा, ठीक है। सो ये हमारा ड्रोन फुल्ली रेडी है रिकॉर्डिंग के लिए। अभी आपको मैन्युअली यहाँ से चालू करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, और फिर आप जैसे चाहे फ्लाई कर सकते हैं और कैमरा के मूवमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। ये कैमरा वाईफाई कैमरा है, सो ये आपके मोबाइल के साथ डायरेक्टली वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, और जो भी विजन होगी वो आपको मोबाइल में मिलेगी। क्योंकि हम वाईफाई यूज कर रहे हैं तो थोड़ी सी डिले इमेज मिलेगी हमको, और ज़्यादा रेंज भी नहीं होगी क्योंकि वाईफाई की रेंज बहुत कम होती है। सो थोड़ी रेंज के बाहर जाएगा ड्रोन, तो उसके बाद आपको कोई भी विजन नहीं मिलेगा। सो ये कंप्लीट वाईफाई कैमरा ड्रोन है, लेकिन अभी इसको एक स्टेप अगर आगे जाना है आपको तो आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा FPV।
जो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ से छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहे तो FPV सेटअप कर सकते हैं। सो FPV सेटअप करने के बाद ही हम जाएंगे ग्राउंड में फ्लाई करने के लिए, ठीक है। सो मैं अभी FPV सेटअप कर रहा हूँ, उसका मैं सिर्फ आपको डायग्राम दिखाऊंगा क्योंकि अदरवाइज वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। सो मैं डायग्राम दे आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद कभी भी आप उस डायग्राम को देखकर FPV सेटअप कर सकते हैं। सो ये है FPV ट्रांसमीटर जो लगेगा ड्रोन में, उसके साथ ये केबल लगेगा जो कनेक्ट होगा कैमरा में, जो वीडियो सिग्नल्स देगा ट्रांसमीटर को। और ये कैमरा का जो केबल है वो 5 वोल्ट पे वर्क करेगा, ये कैमरा को 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते। सो उसके लिए हम ये कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं जो इस 14 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा 5 वोल्ट्स में। सो इस डायग्राम के हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस FPV सिस्टम को अपने कैमरा के साथ में, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपका जो कैमरा है वो FPV सपोर्टेड हो। सो पूरा सिस्टम लग चुका है, यहाँ पर हमने FPV ट्रांसमीटर लगाया है, वहीं ये है FPV रिसीवर। सो यहाँ पर इस कैमरा का रियल टाइम वीडियो मिलता है और इसका जो क्वालिटी होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आपको पता चल जाता है कि फ्रेम में क्या क्या कवर हो रहा है। और जो ओरिजिनल वीडियो होता है वो मेमोरी कार्ड से आपको कैमरा से मिल जाता है। और उसके अलावा इस रिमोट में हमने ये स्विच सेट की हुई है जिससे हम वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, सब कुछ रेडी है। अभी तो बहुत लेट हो चुका है, करीबन 10 बज रहे हैं। सो हम कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएंगे वीडियो शूट के लिए और आई होप कि कुछ अच्छे वीडियो शूट्स हम ले पाए।